विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी क्षेत्र में राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विधायक गोपाल शर्मा, महापौर मुनेश गुर्जर सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं की लगाई गई स्टॉल्स पर पंजीकरण किया गया। मूल चीज ये है जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि धारणा बदले। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ जो अफसर खड़े हैं उनकी निगाह उस बातचीत पर होनी चाहिए, दूसरे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, कोई हमारे पास आया है अपना दर्द लेकर के, उस दर्द में हम शामिल होने चाहिए। सरकार की कोई योजना ऋण देने की है या लोगों की सुनवाई करने की है, उस सुनवाई के अंदर हमको ये लगना चाहिए कि हम खुद शामिल हैं। अगर हमारे अंदर ये भाव आता है तो हम सही मायने में मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो भजन लाल जी सरकार की नीतियां हैं, उनको हम क्रियान्वित कर सकेंगे। आज यह शुरुआत है, निश्चित रूप से हमको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर आम जनता के जितने भी हित की योजनाएं हैं वो धरातल तक उतरनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। उसको पहुंचाने के लिए नगर निगम हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे सभी पार्षदगण, हमारे अधिकारीगण इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे कि आम जनता तक ये योजनाएं पहुंचे ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। और मुझे लगता है इसमें जो मुद्रा लोन वाली है, इसमें विशेष महिलाएँ संबल होती हैं, सशक्त होती हैं, तो ऐसी योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने का हम पूरा जिम्मा लेते हैं। पूरे निष्ठा के साथ इनको पहुँचाएंगे ताकि हमारा हर भाई हर बहन सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जो स्वनिधि वाली योजना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं, डीएसओ ऑफिस भी है। तो पर्पज़ इन डिपार्टमेंट्स का ये है कि ये स्कीम तो पहले से चल रही है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की सारी स्कीम चल रही है। उज्ज्वला योजना भी चल रही है, आधार कार्ड का भी चल रही है, जो लोन की स्कीम है वो भी चल रही है, वीमेन एम्पावरमेंट की भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गैप है, सूचना लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, या जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और जैसे वेंडर्स हैं, वेंडर्स का जैसे सर्वे हो गया, सर्वे हो के अब अपने चुनाव भी करवा दिए वेंडर्स कमेटी के, लेकिन अब नया इशू यह है कि अब वेंडर्स ढंग से इस्टेब्लिश हों, इसलिए उनकी पहचान करके उनके लिए जोन निर्धारित करके उनको लोन मुहैया करा के और फिर उनको इस्टेब्लिश करें। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी स्कीम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि घर ही मिलेगा, घर नहीं, यदि वो खुद कर रहा है तो उसको लोन भी मिलेगा। तो इन सब की स्कीम की जानकारी मास लेवल पे और नीचे के लेवल तक पहुंचाने का उद्देश्य है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सार्थक हो।